सो हाई एवरीवन, हाई गाइज, दिस इज आकाश त्यागी, योर केमिस्ट्री एडुकेटर. यार आज हम फिर से आ गए अपने लेक्चर नंबर 4 पे. ठीक है, हमने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया है, जहां पे हमने लास्ट टाइम इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मुला को कंप्लीट किया था. और यार आज हम बढ़ने वाले हैं स्टोइकियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, द वन एंड ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट 2024, जहां से आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इस बार भी स्टोइकियोमेट्री का तुम्हारे पेपर में आया था, जहां पे परसेंटेज बेस्ड वो क्वेश्चन था. चलिए तो इसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं. आइए शुरू करते हैं स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट. चलिए बच्चों, तो यार सबसे पहले बात करते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती ही क्या है. व्हाट डू वी मीन बाय स्टोइकियोमेट्री? तो यार अगर मैं स्टोइकियोमेट्री के वर्ड को पकड़ू ना और यहां पर इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दू, तो यार स्टोइकियोमेट्री में जो स्टोइकियो का मतलब है, यहां से मैं इसको निकालता हूं तो इसका मतलब है एलिमेंट्स, ठीक है. और यहां पे जो मेट्री का मतलब है वो है मेजरमेंट. कहीं ना कहीं स्टोइकियोमेट्री एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा थ्योरेटिकल प्रोसेस है जहां पे हम मेजरमेंट करते हैं एलिमेंट्स की. ओके ओके, मेजरमेंट करते हैं एलिमेंट्स की. सो कांट ऐसे क्या दिया, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का एक टॉपिक हो गया, है ना. सो मैं कह सकता हूं कि स्टोइकियोमेट्री is nothing but the quantitative relationship between the reactants and the products. ओके 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 ओके, समझ में आ गई बात. सो स्टोइकियोमेट्री में मेजरमेंट करते हैं एलिमेंट्स को, तो मैं कह रहा हूं इट इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. इट इज नथिंग बट द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड्स इन अ केमिकल रिएक्शन. सर वो बात समझ में नहीं आ रही जो एक्चुअली में स्टोइकियोमेट्री में समझ में आनी चाहिए. चलिए पहले एक लाइन लिखवाता हूं, उसके बाद समझाता हूं उसका एक्चुअल मतलब क्या है. ठीक है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, स्पेशली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन. इन दोनों की एक एप्लीकेशन मान सकते हो स्टोइकियोमेट्री को तुम लोग. ठीक है, चलिए अब इसका बेसिक मतलब समझ लेते हैं कि स्टोइकियोमेट्री है क्या. तो मैं तुम्हें समझाता हूं इसका बेसिक मतलब क्या. अब जरा ध्यान से मेरे समझना. मान लो मैंने एक रिएक्शन कर ली, एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं. यहां पे मेरे पास है नाइट्रोजन गैस, मेरे पास है हाइड्रोजन गैस. ठीक है बच्चों, हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना हम लोग जानते हैं, बिना बैलेंस के कोई भी रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं करती है. इतनी बात सबको समझ में आती है. तो मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, मेरे पास हाइड्रोजन गैस है, इससे मेरे पास अमोनिया गैस बन गई. अब इसको अगर मैं बैलेंस करूंगा तो यहां पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा और यहां पे मुझे 3 लगाना पड़ेगा. और इस बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि यार वन पार्ट ऑफ नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस विल फॉर्म 2 पार्ट ऑफ अमोनिया. क्या मेरी बात सही है? यस सर. क्या यही जो स्टोइकियोमेट्री कॉफिशियंट होते हैं किसी भी रिएक्शन में, किसी भी बैलेंस रिएक्शन के जो भी स्टोइकियोमेट्री कॉफिशियंट होते हैं, जैसे कि यहां पे 1 है N2 के सामने, H2 के सामने 3 है, NH3 के सामने 2 है, क्या यही नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट नहीं करते? आंसर है हाँ. जिसको नहीं पता है ध्यान में रखो कि स्टोइकियोमेट्री कॉफिशियंट किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के उसी के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो मैं कह सकता हूं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया. इजंट इट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप? क्या मतलब है सर? मतलब सिंपल है कि जब भी 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन से रिएक्ट करोगे हाइड्रोजन की, देयर शुड बी 3 मोल. सर ऐसा आप कैसे कह सकते हो? अब लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन में पढ़ा तो था क्या? For a pure chemical compound, two elements combine with a fixed proportion by mass. Proportion हमेशा fixed रहती है. मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा 1:3 के रेशियो में ही, रेशियो बाय मोल में ही क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे. तो कांट आई से दैट दिस इज द स्टोइकियोमेट्री, दिस इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप. क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप मतलब कि 1 मोल रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल से. अच्छा,
तो इसका मतलब ये, अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो मैं कह सकता हूं 1:3 इन टर्म्स ऑफ मोल, आंसर है हाँ। कोई मुझसे पूछे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ नाइट्रोजन एंड अमोनिया, तो मैं कह सकता हूं 1:2, हाँ क्यों नहीं कह सकता। तो ये क्या होती है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होती है विच नेवर फेल। तो मोल में हमेशा ध्यान रखना। अब इस अगर आप इस बात को जान चुके हो तो आप हर बार ये लिख सकते हो, अगर मान लो किसी ने अपने आपको एक क्वेश्चन दिया कि यार मेरे पास तो 5 मोल है नाइट्रोजन के, तो मेरे पास हाइड्रोजन के कितने मोल होने चाहिए जिससे कि अमोनिया बन जाए, तो फॉर एवरी 5 मोल यू मस्ट हैव 15 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। अंडरस्टूड। चल अब एक बात को मेरी समझो, ये स्टोइकियोमेट्री मोल्स में भी हो सकती है क्योंकि मोल्स भी क्वांटिटी है, वेट में भी तो हो सकती है। तो मैंने पहले वाला लिख दिया इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मास भी निकाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ मास, क्योंकि आप मोल को मास में कन्वर्ट कर सकते हो, सब लोग जानते हैं। तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज 28 ग्राम, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज 6 ग्राम, एंड 2 मोल ऑफ अमोनिया इज 34 ग्राम। ये भी एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप हो गया है ना, नाइट्रोजन हाइड्रोजन का कितना हो गया 14:3, तो दोनों में रेशियो अलग अलग आ रहा है ना। ऐसे ही आप इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। आपसे गे ल्यूसैक लॉ में बोला गया था कि जब भी हम गैसियस रिएक्टेंट की बात करते हैं, गैसियस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो 1 मोल को 1 मोल ना कह के आप 1 वॉल्यूम में कह देते हो, क्योंकि गैसेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड इन वॉल्यूम। तो कह सकते हैं हम 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, तो आप नंबर ऑफ मोल्स को रिप्लेस कर सकते हो वॉल्यूम से। क्वेश्चन ये आता है कि सर जब आप 1 वॉल्यूम बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 वॉल्यूम, ऐसे बताओ ना सर। वॉल्यूम तो लीटर मिलीलीटर में होती है। अच्छा अब इस बात को समझने के लिए ध्यान दो यार, सबको पता है कि वॉल्यूम किसी भी कंटेनर की डिपेंड करती है उसके 2 फैक्टर्स पे। मान लो मैंने कंटेनर लिया है ना, और इसमें पार्टिकल्स ऑफ गैसेस हैं, ये वॉल्यूम की जो वैल्यू है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे एंड प्रेशर पे। सब लोग जानते हैं अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, दे विल गो अवे, और जब वो गो अवे होंगे तो जब वो दूर जाएंगे उनकी वॉल्यूम बढ़ेगी, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब अगर प्रेशर चेंज होगा तो भी वॉल्यूम चेंज होगी, क्योंकि अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो ड्यूरिंग द प्रोसेस तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, पास पास आएंगे, प्रेशर घटा रहे हो तो दूर दूर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सवाल यह आता है कि किसी भी रिएक्शन को जब हम करेंगे तो उस वक्त हम वॉल्यूम को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर में भी चेंज, मान लो ड्यूरिंग द रिएक्शन टेम्परेचर इज चेंजिंग, जो कि होता नहीं है लेकिन अभी के लिए मान लेते हैं प्रेशर चेंज हो सकता है ड्यूरिंग द रिएक्शन है ना, तब क्या करेंगे हम। तो हमने क्या किया, एक कंडीशन बना ली, हमने बोल दिया एक कंडीशन बनाते हैं एसटीपी, कोई भी रिएक्शन इसी कंडीशन पे होगी। एसटीपी का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अच्छा इसका मतलब यह है कि जब भी कोई भी रिएक्शन होगी और वहां पे एसटीपी लिखा होगा, इसका मतलब है टेम्परेचर शुड बी 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर शुड बी 1 atm। और बच्चों जब ऐसा हम रखते हैं तो कैलकुलेशन से वॉल्यूम निकल के आती है हमारी 22.4 लीटर। तो हमेशा ध्यान रखना एसटीपी और एनटीपी पे ही ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है, एसटीपी पे ही ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं, और उस वक्त 1 वॉल्यूम का मतलब 22.4 लीटर हो सकता है, मतलब इसी को बोल सकते हो 22.4 लीटर। यहां पे हो जाएगा आपका 3 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो है ना, जितना भी होगा, ठीक है, और यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई डाउट है किसी को, एनीवन इन द हाउस मेक सम नॉइस, ठीक है ना। चलिए यहां तक मुझे सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा एक बात और, तुम्हें बुक में एसटीपी की जगह एनटीपी भी दिखाई दे सकता है, तो एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और ये जो कंडीशन है ये बहुत सालों पहले लगाई जाती थी, लेकिन आज की डेट में आप एसटीपी एनटीपी को सेम ही मानो, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें नहीं है। तो पेपर में आपको एसटीपी दिया हो एनटीपी दिया हो, आपको यही बात ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, प्रेशर 1 atm होगा, और ऐसे केस में वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होती है। क्या सभी को स्टोइकियोमेट्री समझ में आ गई। अच्छा
स्टोइकोमेट्री समझने के लिए क्वेश्चन को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ही आएंगे, थ्योरेटिकल इसमें कुछ होता नहीं है, है ना। सिंपल सी बात है, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, है ना। और इसी वजह से आप यहां पे इसको लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के एप्लीकेशन भी मानते हो। आइए इसका यूज देखते हैं कि यूज क्या है। आ जाओ इसका यूज देख लेते हैं एक क्वेश्चन करके, इस एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है हमें। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग इतने किलोग्राम ऑफ लाइमस्टोन, है ना। ऑफ आएगा यहां पे, ऑफ लाइमस्टोन CaCO3 विच इज 95% प्योर। अच्छा, तो मेरे पास है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि मुझे दिया हुआ है 200 किलोग्राम। इसको मैंने हीट करना है। जब इसको हीट करते हो तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हमसे पूछा है कि आपके पास अगर कैल्शियम कार्बोनेट 200 किलोग्राम है जिसको आप हीट कर रहे हो तो बताइए कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा, ये बताना है आपको। चलिए सबसे पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और इसकी स्टोइकोमेट्री निकाल लेंगे। स्टोइकोमेट्री क्या होती है? इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप विच नेवर चेंजेस, जो कभी चेंज नहीं होती, क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का ही एक एप्लीकेशन है। अगर मैं यहां पर देखूं तो मोल बराबर है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वेट की टर्म्स में दिया हुआ है, तो मैं भी यहां पे स्टोइकोमेट्री वेट की टर्म्स में ही मानूंगा, मैं मोल की टर्म्स में नहीं मानता हूं भी, ठीक है। तो वेट की टर्म्स में देखो, अगर मैं कैल्शियम का मास 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, मल्टीप्लाई करेंगे सबको और प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जब होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना बनेगा बच्चों, ये बन जाएगा तुम्हारा 40, 56 ग्राम और 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमसे जो रिलेशनशिप रिक्वायर्ड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड की, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड पूछा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड कोई खेल यहां पे है ही नहीं, है ना। तो आप इसको ना भी लिखोगे तो चलेगा काम, जो दिया है जो निकालना है केवल उसी पे चर्चा करनी है ऐसे क्वेश्चंस में। चलो ठीक है, तो स्टोइकोमेट्री ये कहती है कि फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 56 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड एंड दिस स्टोइकोमेट्री विल नेवर चेंज बिकॉज दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन विच इज ऑलवेज देयर। चलो लेकिन क्वेश्चन में हमें जो आंसर बताना है वो तो तब बताना है जब मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है 200 किलोग्राम जिसमें कि वो है 95% प्योर। अब ध्यान लगाइएगा, मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट 200 किलोग्राम है, क्या 200 किलोग्राम इस रिएक्शन में मैं यूज कर सकता हूं? आंसर है नहीं, क्योंकि वो 95% प्योर है। मैं कैल्शियम कार्बोनेट को यूज कर सकता हूं, इंप्योरिटी को यूज नहीं कर सकता। तो पहले ये निकालो कि आपके पास एक्चुअली में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप इसका क्या करो, इसमें से माइनस कर दो इसका 5%, या फिर आप डायरेक्टली इसका 95% भी निकाल सकते थे। दोनों तरीके आपके पास है। तो मेरे पास आ जाएगा 200 माइनस 5% ऑफ 200, 5% ऑफ 200 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना, आ जाएगा 190 किलोग्राम, है ना। अगर आप 200 का 95% भी निकालते हैं तो आपको आपके पास यही आंसर आ जाता है, 190 kg। क्लियर है यहां तक? चलिए, क्वेश्चन में हमारे पास 190 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, हमें स्टोइकोमेट्री पता है 100 ग्राम के लिए। बहुत ही सिंपल काम करना है, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यूनिटरी मेथड। सर कैसे लगाएंगे यूनिटरी मेथड? अच्छा, इसमें जो हमसे आंसर पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड ग्राम या किलोग्राम, किसी भी बता सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने कोई कंडीशन नहीं दी, ऑप्शन यहाँ पे गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो एटलीस्ट, है ना, तो किसी भी बता सकते हैं किलोग्राम में भी ग्राम में भी। अगर मैं इसको ग्राम में कर लूं तो कितना हो जाएगा, 190 × 10³ ग्राम, है ना। नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा मामला। अब जरा ध्यान से देखो, मेरे पास वैल्यू 100 ग्राम की है, क्या मैं 100 ग्राम को इस वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता हूं डायरेक्टली? आंसर है हां, कर तो सकते हैं सर। कैसे? अगर मैं इस रिएक्शन में मल्टीप्लाई कर दूं 1900 से तो यही बन जाएगी आंसर। हां ठीक है, मतलब कि मैंने अपना आंसर लाने के लिए इस पूरी रिएक्शन की जो क्वांटिटी है उसको 900 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। किसी भी रिएक्शन में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि वो बैलेंस्ड रहनी चाहिए तो हर जगह करते हैं, तो मैंने पूरी रिएक्शन को मल्टीप्लाई किया था 1900 से, तो इसमें भी होगा। ऐसे में आ जाएगा मेरे पास आंसर के 190 × 10³ ग्राम पे जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड होगा वो कितना होगा, 56 × 19 × 10³ ग्राम। जरा 56 की 90 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 54 × 4 = 5, 50, 4 × 6 = 10, 1064 बच्चों, 1064। क्लियर है? बताओ क्लियर? वन सेकेंड, हमने मल्टीप्लाई किया, ओ माय गॉड, 10^2 आएगा बच्चों यहां पे, है ना, 10^2 ना कि 3, दिस इज 10^2। अच्छा ओके, कोई दिक्कत है? अच्छा है,
इतने ग्राम पे इतना ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, मेरा आंसर आ गया। आप किलोग्राम में चाहते हो तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 190 kg पे 106.4 kg ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। दिस इज माई फाइनल आंसर, दिस इज हाउ यू विल यूज द स्टोइकियोमेट्री कंसेप्ट। समझ में आई बात? ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। चलो अब क्वेश्चंस ही लगाते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के टॉपिक अधूरा है। आज क्वेश्चन ही इस टॉपिक पे करते हैं, फिर तभी हम अगले पे पढ़ेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कह रहा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विद एक्वस HCl। ये मेरी रिएक्शन दे रखी है, बैलेंस रिएक्शन दे रखी है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ MnO2। अगर मेरे पास 5 ग्राम MnO2 है तो कितना HCl यहां पे होगा रिएक्ट करने के लिए, हमें यह बताना है। अच्छा, Mn का मास अगर पता नहीं है तो Mn का मास होता है 55। ठीक है, चल आ जाओ। तो क्वेश्चन में पहले रिएक्शन लिखो, MnO2 प्लस में 4HCl गिव्स MnCl2 प्लस में Cl2 प्लस में 2H2O। पहले ये देखो कि आपको किन दो की जरूरत है, मतलब कौन गिवन है और कौन निकालना है। तो आपको MnO2 गिवन है विच इज 5 ग्राम, और आपको निकालना कौन है HCl। तो एक काम करो, इन दोनों को मार्क कर लेते हैं कि हमें जो मतलब है वो इन दोनों से है, बाकियों से हमें मतलब ही नहीं है अभी के लिए, इससे और इससे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, स्टोइकियोमेट्री को फाइंड करना है। स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है यहाँ पे? स्टोइकियोमेट्री कहती है कि यार 55 होता है Mn का और 32 हो गया O का, O2 का मतलब है ना। तो आगे तुम्हारा 87 ग्राम ऑफ MnO2 जब होता है तो क्या बनता है तुम्हारा HCl? HCl हो जाता है 35.5, 36.5 की मल्टीप्लाई बाय 4, तो आई थिंक 146 ग्राम आ जाएगा। बोलो हाँ है ना भाई, 36.5 की टूजा से करोगे 73, 73 टूजा होता है 146 ग्राम। अब ध्यान से देखना, 87 ग्राम पे जो मुझे HCl चाहिए होता है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री इट इज 146 ग्राम, लेकिन मेरे पास तो रिएक्शन में केवल 5 ग्राम ऑफ MnO2 है, मुझे तो 5 ग्राम के लिए आंसर बताना है। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी है, ये जो प्रोपोर्शन है वेट का, ये कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा जी, ठीक है जी, मैं काम ना करूं, मैं यहां पे लगा देता हूं यूनिटरी मेथड। सर यूनिटरी मेथड होता क्या है पहले वो बताइए। देखो पिछली वाली रिएक्शन में आप 100 ग्राम से 190 किलोग्राम डायरेक्टली बना सकते थे जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग 1900 ऑन इन द होल इक्वेशन। लेकिन सेकेंड वाली रिएक्शन में कोई ऐसा सिंगल नंबर नहीं है जिसको आप मल्टीप्लाई करके 87 से 5 बना दो। तो यहां पे हम यूनिटरी मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले हम MnO2 में जो वैल्यू मुझे 87 ग्राम के लिए दे रखी है HCl की, पहले मैं 1 ग्राम के लिए निकालता हूं। अब 1 ग्राम के लिए कैसे निकालूं? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बाय 87 टाइम्स तो मेरे पास आ जाएगा 87 डिवाइडेड बाय 87, 146 डिवाइडेड बाय 87, यानी के लिए 1 ग्राम के लिए मेरे पास आ गया इतना HCl। अब अपने 1 ग्राम के लिए निकाल लिया, अब 1 ग्राम से अपनी वैल्यू को 5 ग्राम पे लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब 1 ग्राम से 5 ग्राम लाने के लिए पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बाय 5, तो आंसर आ जाएगा 5 ग्राम ऑफ MnO2 के लिए 146 डिवाइडेड बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 5 ग्राम। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ HCl व्हिच विल बी रिएक्ट टू 5 ग्राम MnO2। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज यूनिटरी मेथड? क्योंकि सबसे पहले आपने अपनी फाइनल वैल्यू लाने के लिए आप 1 ग्राम पे पहुंचे और 1 ग्राम में आपने मल्टीप्लाई कर दिया जो भी आपको चाहिए, और ये आपका यहां से फाइनली आंसर आ जाएगा। जो भी आप इसको कैलकुलेट करोगे, आराम से कैलकुलेट करना, जो भी आंसर आएगा देख लेना। क्लियर है यहां तक सभी को? जल्दी बताओ, समथिंग अराउंड 8.39 ग्राम आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू विल यूज द स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री बहुत सिंपल है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से एक रिलेशन निकालो और उस रिलेशन को मेंटेन करते हुए क्वेश्चन में जो भी वैल्यू गिवन है उसकी वैल्यू निकाल लो। सिंपल, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अगला सवाल, अब अगले सवाल से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को पॉज कर सकते हो, खुद से सॉल्व कर सकते हो और फिर क्रॉस चेक कर सकते हो कि यार मैंने क्वेश्चन कैसे किया। आ जाओ, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली इतने ग्राम ऑफ ऑक्टेन। ऑक्टेन होता है C8H18 पेट्रोलियम, इसको आप बर्न करोगे O2 की प्रेजेंस में तो हमेशा CO2 प्लस H2O बनता है, हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन है। रिएक्शन को बैलेंस करना भली बात ही जानते हैं है ना, नहीं जानते तो मैं कर देता हूं। यहां पे काम करिए, 8 लगाइए पहले, ठीक है, फिर यहां पे आप 9 लगाइए, जो कि पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि यहां पे ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आएंगे और लेफ्ट साइड में ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। तो एक काम करिए, पहले यहां पे 18 लगाइए, यहां पे 18 लगाएंगे तो 36 हो जाएंगे, यहां पे आपको 2 लगाना पड़ेगा।
यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां पे आपको कितना करना पड़ेगा, 16 करना पड़ेगा, जिसके कारण अब आपके ऑक्सीजन कितने हो गए, 16 दूनी 32 और 18 कितने हो गए, 50 हो गए, तो यहां पे आपको 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आपकी इक्वेशन होगी बैलेंस, होगी बैलेंस। अच्छा पहले मार्क कर लो कि हमें किस किस के बारे में चर्चा करनी है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पूछा हुआ है, और 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन आपको ऑक्टेन दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों के बारे में चर्चा करनी है, बाकी सबको साइड में रखो। चलिए अच्छा अब ध्यान से देखना बच्चों क्या करना है मुझे। सबसे पहले स्टोइकोमेट्री क्या कहती है, स्टोइकोमेट्री कहती है भाई कार्बन का मास होता है 12, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस में 18 बन जाए 18, 12 8 जाए कितने होते हैं 96 प्लस में 18 ये हो जाएगा तुम्हारा 114, तो ये हो जाएगा आपका 228 ग्राम, क्योंकि 2 मल से मल्टीप्लाई करनी है। अच्छा मैं हमेशा ग्राम वाली स्टोइकोमेट्री क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे जितने भी क्वेश्चन अभी तक मिले सारे ग्राम वाले मिले, अभी तो कोई मोल वाला मिला नहीं है, है ना। चलो उसके बाद 25 ग्राम ऑफ O2, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 32 है ना, 25 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 2 कह देता हूं मैं, है ना, उससे आसानी रहेगी। क्यों, क्योंकि ये मेरा हो जाएगा 50 800 है ना भाई, 60 कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 16 कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, ठीक है 800 ग्राम, ये तो हो गई स्टोइकोमेट्री। लेकिन क्वेश्चन ने बोला मेरे पास 228 ग्राम ऑक्टेन ही नहीं, मेरे पास कितनी है 570, तो 570 के लिए वैल्यू निकालनी है, यूनिटरी मेथड लगा दो, क्योंकि 228 से डायरेक्टली नहीं जा सकता 570 में, तो पहले इस पूरी रिएक्शन को डिवाइड कर देता हूं मैं 1/228 से, तो मुझे मिल जाएगा 228 डिवाइडेड बाय 228, 800 डिवाइडेड बाय 228, तो मेरे पास आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ ऑक्टेन पे इतने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। चलिए भाई 0.2 माय लॉर्ड, बहुत बढ़िया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे 570 ग्राम पे ऑक्टेन चाहिए, मतलब इतना ऑक्टेन है मेरे पास, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं बाय क्वांटिटी 570 से, है ना, इतनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा 570 से, तो मेरे पास आ गया 1 मल्टीप्लाई 570 यानी कि 570 ग्राम, 800 अपॉन में 228 मल्टीप्लाई बाय 570। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं, आंसर है हाँ या ना बताइए, क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, ठीक है। अगर आप 228 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है ये आपका आ जाएगा समथिंग अराउंड 2000, ठीक है 2000 ग्राम यहां से आपका आंसर आ जाएगा, उसको आप 2 किलोग्राम भी बोल सकते हैं, ये आपका फाइनल आंसर यहां से आ गया और ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। मान लो इसी क्वेश्चन में आपको ये दिया होता, ये दिया हुआ आपको ग्राम में, लेकिन आपसे पूछा होता हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो आप क्या करते, आप ग्राम में वैल्यू निकाल लेते हैं ना, और आप बाद में उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू होता है W अपॉन में M, तो W की निकालने के लिए वैल्यू आप उस जो भी नंबर ऑफ मोल्स आते हैं उसकी मॉलिकुलर मास से मल्टीप्लाई करके उसको वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। यहां तक अगर किसी को समस्या नहीं है तो जल्दी से मुझे बताइए कि सारी बातें क्लियर हैं, अगर क्लियर है तो अगले क्वेश्चन पर आ जाइए, फिर से पोज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, नहीं होगी तो फिर मैं बताऊंगा। आ जाओ क्या है क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड दैट कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इतने ग्राम ऑफ HCl व्हेन HCl इज रिएक्टेड विद एन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन की है HCl से, ठीक है, तो मुझे मिलेगा MgCl2 प्लस में H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे भैया, यहां बस 2 लगा देंगे, रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस, क्लियर है। चलिए पहले मार्क कर लो कि हमें किस किस से मतलब है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड इससे मतलब है, और हमें HCl दिया हुआ है इससे मतलब है, और हमें किससे कोई मतलब ही नहीं है। चलिए रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग HCl कितना हो गया 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया तुम्हारा 73 ग्राम, और ऐसे MgCl2 कितना आ गया आपका, Mg का मास होता है 24, 24 और 71 95 ग्राम। क्या मैं 73 में कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास 17 ग्राम HCl बन जाए, आंसर है नहीं, यूनिटरी मेथड लगाऊंगा, पहले पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूंगा 1/73 से, तो ये हो जाएगा 73 डिवाइडेड बाय 73 और 95 डिवाइडेड बाय 73। मैं कर तो सबको रहा हूं, H2O को भी रहा हूं, MgO को रहा, सबको रहा हूं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है, तो उनको मैं क्यों बार बार लिखूं कैलकुलेशन में, क्योंकि मुझे उनसे बारे में कुछ निकालना ही नहीं है, है ना। तो ये आ गया आपका 1 ग्राम पे इतना MgCl2। क्या मुझसे 1 ग्राम के लिए पूछा, नहीं सर, हमें कितने के लिए पूछा 17, फिर क्या करूं मल्टीप्लाई बाय 17 कर दूं, कर दो मल्टीप्लाई बाय 17, 1/17 ग्राम करेंगे तो मेरा आ जाएगा आंसर 95 डिवाइडेड बाय 73 मल्टीप्लाई बाय 17, तो मेरा यहाँ आंसर निकल के जाएगा, बोलो हाँ या ना, तो 17 ग्राम ऑफ HCl पे मेरा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 95 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 17 4 जा 68 होते हैं, फिर आप उसको 4 से काटोगे तो समथिंग अराउंड मेरे ख्याल से कितना चलेगा
ये चलेगा अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड, ठीक है। तुम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हो, है ना। अगर मैं 95 मल्टीप्लाई बाय 17 कर दूं और डिवाइड बाय कर दूं 73, तो यार मेरे पास आ जाएगा 22.12 ग्राम इसका आंसर फाइनल। इतना आपका फाइनल आंसर आ गया, इतना MgCl2 तो आपका यहां पे बनेगा। क्या बातें क्लियर है। चलिए एक और प्रोफाइल की क्वेश्चन करते हैं। आपको बहुत सारी रिएक्शन एक ही क्वेश्चन में दे दी गई होती है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री में। आ जाओ इस क्वेश्चन में, क्या जरा ध्यान से देखो। पहले लास्ट क्वेश्चन है स्टोइकियोमेट्री का। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ प्योर H2SO4 कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम 1 किलोग्राम ऑफ आयरन पायराइट। आयरन पायराइट है FeS2। आपको ये वैल्यू दे रखी है FeS2 की और आपसे पूछी गई है H2SO4 की वैल्यू। बात समझ में आ रही है क्या है क्या नहीं है, समझे। तो आपको FeS2 की वैल्यू दे रखी है, H2SO4 की पूछी है, लेकिन एक ही रिएक्शन में नहीं है। H2SO4 तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारे रिएक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। तो यहां पे करने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड बताता हूं क्या होता है। सबसे पहले आप FeS2 इस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्री लगाइए और यहां से SO2 की वैल्यू निकाल लो, निकाल ली। फिर आपके पास सेकंड रिएक्शन के SO2 की वैल्यू आ जाएगी, तो आप उससे SO3 की वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगी। और फिर आप उस SO3 की वैल्यू से यहां से H2SO4 निकाल लेंगे। पहला मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है, ऐड कर दो ऑल द रिएक्शंस। जब आप ऐड करोगे तो लेफ्ट साइड में आएगा 4 FeS2 प्लस में 2 SO2 प्लस में SO3 प्लस में H2O प्लस में 12 O2। ये आएगा, बताओ, हाँ है ना, 12 O2 आएगा, ठीक है। उसके बाद राइट साइड में क्या आएगा वो देख लो, 2 Fe2O3 प्लस में, एक सेकेंड, यहां पे SO2 था, हाँ, प्लस में 8 SO2 प्लस में 2 SO3 प्लस में H2SO4। अब जो कट रहा है पहले उसको काट दो, क्योंकि दोनों साइड आ गया वो, है ना, H2SO4। करेंगे ऐसा, तो मैं अगर ध्यान से देखूं तो 2 SO2 इधर है, तो इधर बच जाएगा 6 SO2, है ना, यही होगा। अच्छा, उसके बाद इधर 1 SO3 है, तो इधर हो गया फिर 1 SO3, ठीक है जी, चलिए जी, सही बात है, ओके जी। और मैं क्या करूं, ये इक्वेशन बैलेंस थी ना ऑलरेडी, हाँ ये इक्वेशन बैलेंस थी, तो मेरे पास यहां से कितना आ गया, मेरे पास यहां से, अच्छा H2O कट सकता है, नहीं कट सकता, तो मेरे पास आ गया 4 FeS2 प्लस में O2 कितने हैं, 12 O2 है अभी, ठीक है, प्लस में एक मेरे पास H2O है, गिब्स, 2 Fe2O3 है, सही बात है, एक मेरे पास, यार एक सेकंड, हमने इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, फिर इसने इक्वेशन ने कॉपी में, मतलब इसमें हमें बैलेंस नहीं दी, एक सेकंड में उसको बैलेंस करने दो। पहले पहले वाली इक्वेशन बैलेंस है, 4 Fe और 2 Fe, ठीक है, 11 O2 यानी कि 22 और 16 और 22 और 8 ऑक्सीजन, ठीक है, पहली वाली बैलेंस है। दूसरी वाली अगर देखूँ तो मैं, 2 सल्फर 2 सल्फर, 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरी वाली अगर मैं देखूँ तो SO3 में कितने, 1 सल्फर 1 सल्फर और तुम्हारे 4, यार बैलेंस है क्वेश्चन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये कितना आ गया बच्चों तुम्हारा, 6 SO2 बच गया प्लस में 1 SO3 बच गया, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड यार, यहाँ तक मेरी बात क्लियर है, मेरे पास आ गया 4 FeS2 मेरे पास आ गया, ठीक है, 12 O2। एक काम नहीं कर सकते हम, देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे एक काम नहीं कर सकते हम, यहाँ पे हम यहाँ पे ना इसको थोड़ा और ज़बरदस्त बना सकते हैं। देखो कैसे, पता है कैसे, इसको आसान कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर हम इन वैल्यूज को यूज कर लें लाइक दिस, जैसे कि अगर मैं 6 SO2 को, इस 6 SO2 को कन्वर्ट करके किसमें लिख सकता हूं, किसमें लिख सकता हूं, 6 SO2 को मैं लिख सकता हूं 6 SO3 माइनस में 3 O2, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, है ना, और अगर मैं ऐसा करता हूं ना ओवरऑल, तो मेरे पास जो रिएक्शन आएगी वो आएगी 4 FeS2 प्लस में, जब मेरे पास ये 3 O2 उधर माइनस में, देखो मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, है ना, एक बार ध्यान से देख लेना, क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन लिखना थोड़ा सा, यहाँ पे हमें इसको मिनिमाइज करना है अपने अकॉर्डिंग, जिससे कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो मैं इस 2 SO2 की जगह 6 SO2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितनी आ जाएगी, 6 SO3 माइनस में 3 O2, है ना, समझ में आ रही है बात,
ठीक है, अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो देखना क्या बनेगा मेरे पास। मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी मेरे पास कितनी, 12, 3 इधर O2 आएंगे, 15 O2 हो जाएंगे, ठीक है। प्लस में H2O अभी एज इट इज गिव्स 2 Fe2O3, प्लस में ये क्या आ गया मेरे पास, H2SO4 अभी एज इट इज है, और 6 6O2 को मैंने हटा के लिख दिया, ठीक है ना। SO3 दिस, तो SO3 6 SO3 ये हो गए, एक 7 SO3 हो जाएंगे। चलो मैं इसको तुम्हें सिंपल सा एक तरीका बताता हूँ, पता क्या, जब ये काम कर रहे हो ना तुम, ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा ऐसे, तो जब ये काम कर रहे हो ना तो ये देख लो कि जो भी तुम्हारी फाइनल रिएक्शन आ रही है क्या वो बैलेंस है, हाँ या ना, क्योंकि जो तुम्हारी फाइनल रिएक्शन आएगी ना, जो तुमने प्लस किया डायरेक्टली माइनस करके, बैलेंस नहीं है। और ये बैलेंस क्यों नहीं है तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा इस बात को, ठीक है, ये बैलेंस क्यों नहीं है तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूं तुम्हें क्यों, ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो अगर तुम इस पूरी की पूरी रिएक्शन को देखोगे जो तुमने प्लस करके बनाई है ना, तो यहां पे बहुत सारी चीजें अब अनबैलेंस आ जाएंगी, ठीक है, जो बैलेंस नहीं होंगी, फिर जो रिपीट हो रही होंगी, ठीक है, जैसे कि SO3 रिपीट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो इनको तुम्हें क्या करना है, इनको तुम्हें क्या करना है, मिनिमाइज कर लेना। जैसे कि तुम 2SO3 की वैल्यू लिख सकते हो, है ना, इस तरीके से इनको मिनिमाइज करते चलो और तब अपना आंसर बताओ, और तब इसकी स्टोइकोमेट्री को सॉल्व करना है। फिर तुम्हें मैं एक काम करता हूं, मैं होमवर्क देता हूं तुम्हें, काम करो इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से ट्राई कर लो, ठीक है ना, दोनों मेथड से ट्राई कर लो, मैं बता देता हूं तुम्हें। चलो मैं तुम्हें डायरेक्टली इसको हिंट ही दे देता हूं, जब इसको मिनिमाइज कर लोगे तो फाइनल जो रिएक्शन आएगी वो आएगी 4 Fe2 प्लस में 15 O2 प्लस में 8 H2O गिव्स में 2 Fe2O3 प्लस में 8 H2SO4, क्लियर है, ठीक है। और ये कब आ रही है, ये तब आएगी जब आप इसको बिल्कुल मिनिमाइज कर दोगे, जब आप इसको बिल्कुल ही मिनिमाइज कर दोगे। 8 H2SO4 कैसे पॉसिबल है, दिमाग लगाओ, अगर आपके पास 8 ही SO3 है, 8 ही H2O है, 8 ही H2SO4 है, दिखाता हूं देखो क्या होगा। तो आपने यहां पे रखा इसको मिनिमाइज करने के लिए, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, 8 यहां पे रखा, 8 यहां पे रखा और 8 ही यहां पे रखा, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही आते हैं हम लोग O2 पे आते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन पे आते हैं। इधर आपके कितने ऑक्सीजन है, अभी 12 ऑक्सीजन है, ठीक है, अभी इधर कितने आपके 12 ऑक्सीजन है। अच्छा इनको काट लो जरा, एक एक करके इनको काटते रहो, जो भी तुम्हारी वैल्यूज आ रही है उनको काटते रहना जरा। अब अगर मैं SO3 वाले को, अगर मैं अब SO3 वाले को, यहां पे तो 2 है SO3 मेरे पास, ठीक है, तो मेरे पास लेफ्ट साइड में भी, अच्छा एक काम करो, SO3 वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 8, तो तुम्हारा SO2 पे हो गया 8, ठीक है, तुम्हारा SO3 पे हो जाएगा 8, ठीक है, और तुम्हारा और कहां पे होगा, इस ऑक्सीजन पे भी हो जाएगा 8, तो 8 और 11 ही हो जाएगा तुम्हारे 19 टोटल, ठीक है ना। इस तरीके से तुम इसको मिनिमाइज करना है, दैट्स इट, अपने आप इसको देख लेना भी थोड़ा सा, है ना। हम पहले स्टोइकोमेट्री को सॉल्व कर लेते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, हमसे पूछा है हाउ मेनी केजी ऑफ प्योर H2SO4, और हमें आयरन पायरेट दे रखी है 1 kg, ठीक है, तो ये मुझे दे रखा है 1 kg, तो मुझे इससे मतलब है एक तो, ठीक है, मुझे एक तो इससे मतलब है, दूसरा मुझे निकालना है ये H2SO4। स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, आप Fe का मास लोगे यहाँ पे 56, कितना लोगे 56, तो Fe का मास, इस पूरे का मास निकाल लोगे, है ना। अगर मैं Fe का मास आपसे बोल रहा हूँ कि 56 लेना है आपको, तो इस पूरे का मास निकाल लोगे, निकाल लोगे ऐसे, इसका निकाल लोगे, स्टोइकियोमेट्री बन गई। आपको ये दे रखा है हाउ मेनी केजी, अगर आपको 1 kg दे रखा है तो ग्राम में निकाल लेना पहले, है ना, Fe2 को मान लेना आप कितना 1000 ग्राम, 1000 ग्राम बना के इसकी वैल्यू निकाल लेना, ग्राम में डिवाइड बाई कर देना 1000 से, आपका आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, करना और बताना आंसर कितना आएगा। जहां तक मुझे इसका याद है, ये समथिंग अराउंड 1600 समथिंग आएगा, है ना, सॉल्व करके देखना, 1600 समथिंग किलोग्राम ये आंसर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये करना है तुम्हें स्टोइकोमेट्री में, हाँ, इस वाला, ये वाला क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है समझ लो, क्योंकि इसमें आपको बहुत डिफरेंट रिएक्शन दे रखी है ना, और मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए सॉल्व कैसे करना है। पहला तरीका ये है कि आप तीनों रिएक्शन को अलग अलग सॉल्व करके एक एक वैल्यू निकालो और फिर निकालते रहो, जैसे कि यहां से आपने SO2 निकाल लिया, SO2 से फिर आपने SO3 निकाल लिया, और फिर SO3 से आपने H2SO4 निकाल लिया। एक तरीका तो ये है जो बेसिकली नॉर्मली लोग करते हैं, एक ये है जो आप तीनों इक्वेशन को प्लस करो, लेकिन मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, मिनिमाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी के लिए मैंने मिनिमाइज यहां पे इसको लिख दिया कि मिनिमाइज करके इसका कितना आएगा। चल अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसका नाम है लिमिटिंग रिएजेंट।
लिमिटिंग रिएजेंट क्या है बच्चों, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट। ये काम ये पता है क्या है लिमिटिंग रिएजेंट, ये एक तरीके की लिमिटेशन ही है स्टोइकियोमेट्री की। अब ध्यान से देखना कैसे बताता हूं मैं इसको, पहले लिख लेते हैं होता क्या। लिमिटिंग रिएजेंट कैन बी डिफाइंड एज द रिएक्टेंट दैट इज completely consumed during a reaction, consumed during a reaction, during a reaction, and the reactant which is left out is called as excess reagent। क्या मतलब है इस बात का समझाता हूं। देखो ध्यान से मेरी बात समझना, हमने भी स्टोइकियोमेट्री में एक बात पढ़ी, इट इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप जो कभी फेल नहीं होती। जैसे कि मान लो मैंने N2 गैस ली थी, उसकी रिएक्शन करवाई थी O2 गैस से, तो मेरे पास सॉरी H2 गैस से, तो मेरे पास बना था NH3 अमोनिया। ठीक है, इसको बैलेंस कर ले तो यहां पे लग जाएगा क्या 2 और यहां पे क्या लग जाएगा 3। तो हमने बोला कि यार इसका 1 मोल जो है इससे रिएक्ट करता है इसके 3 मोल से, है ना, और इसके 2 मोल बनाता है। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन कितनी आई थी बच्चों, 1:3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच की कितनी आई थी, 1:3। मान लो कोई मुझे रैंडमली क्वेश्चन दे कि यार मेरे पास ना, है ना, इन अ रिएक्शन, कोई किसी ने मुझसे बोला एग्जाम्पल के तौर पर इन अ रिएक्शन फाइव मोल ऑफ हाइड्रोजन आर एडेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड। अच्छा जी, ठीक है जी, क्या मतलब है इस बात का। अब ध्यान से देखना बच्चों, स्टोइकियोमेट्री ये कहती है कि जब इसका 1 मोल होगा तो इसके 3 मोल होंगे, यही कहती है स्टोइकियोमेट्री। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन को देखें तो हमें दोनों के 5-5 मोल देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नाइट्रोजन के 5 मोल को रिएक्ट करवाना चाहते हो तो उसके लिए हाइड्रोजन के कितने मोल होने चाहिए, 15 मोल होने चाहिए। क्या 15 मोल है, आंसर है नहीं। अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब इसके हाइड्रोजन के 3 मोल खर्च होंगे तब इसके केवल 1 ही मोल जाएगा, और जब इसके अगले 2 मोल खर्च होंगे, है ना, तो तब भी इसका समथिंग अराउंड 0 कुछ मोल जाएगा। मतलब कि जब ये पूरा खत्म हो जाएगा नाइट्रोजन अभी भी बाकी रह जाएगा रिएक्शन में। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये तो इस रिएक्शन में पूरा कंज्यूम हो गया, मतलब कि लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। समझ में आई बात, क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और जो बच रहा है उसको मैं क्या बोल दूंगा, एक्सेस रिएजेंट बोल दूंगा बच्चों। क्या बोल दूंगा, एक्सेस रिएजेंट बोल दूंगा। हाँ, क्लियर है सबको बात, तक समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। अच्छा, अब सर ये ऐसा क्यों बोला आपने कि स्टोइकियोमेट्री की लिमिटेशन है। अब जरा ध्यान समझो, स्टोइकियोमेट्री हमें रिलेशनशिप बताता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है ना। अच्छा, अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, इस केस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब तक आपको यह नहीं पता होगा कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है तब तक आप इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्री नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकता सर मैं, भाई मान लो आपने इस केस में आपसे पूछा था कि आपको अमोनिया बताना है और आपने स्टोइकियोमेट्री लगा दी, और स्टोइकियोमेट्री किस पे लगा दी आपने, मान लो आपने स्टोइकियोमेट्री लगा दी नाइट्रोजन पे, कह रहे 1 मोल नाइट्रोजन है तो 2 मोल बनता है, तो 5 मोल नाइट्रोजन है तो 10 मोल अमोनिया बन जाएगा, आपका आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा, क्योंकि अमोनिया एक्सिस रिएजेंट है, ये तो पूरा का पूरा रिएक्शन में यूज हो ही नहीं रहा, और जब ये पूरा का पूरा रिएक्शन में यूज हो ही नहीं रहा तो इसके बेसिस पे आपने अमोनिया निकाल कैसे दिया। तो सर अब मैं क्या कर सकता हूं इसी रिएक्शन में, आ जाओ इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूं मैं तुम्हें। तो मेरे पास नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया बनाता है, ठीक है,
अच्छा यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसके 1 मोल पे इसके 3 मोल बनते हैं, सॉरी 3 मोल होते हैं, उसके 2 मोल बनते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये देखने से ही समझ में आ गया। इसकी पहचान के भी एक ट्रिक भी बता दूंगा मैं, कैसे पहचानते हैं, है ना, अगर समझ में ना आए तो। अभी तो आपको समझ में आ गया कि आपको बेसिक की छोटी सी रिएक्शन थी, आपको ये पता है ये लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये तो पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, यानी कि 5 मोल के 5 मोल पूरे के पूरे खर्च होंगे। तो आप एक काम करिए ना, आप इसके अकॉर्डिंग चलिए, इसको भूल जाइए। 3 मोल पे 2 मोल है तो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन पे कितने मोल ऑफ अमोनिया होंगे? तो 5 मोल लाने के लिए पहले पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर दो, तो 1 मोल पे आ जाएगा इतने मोल, और हमारे पास 5 मोल है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, तो 5 मोल ऑफ हाइड्रोजन के केस में कितने मोल बन रहे हैं? केवल 3.33 मोल ऑफ अमोनिया ही बनकर आ रहे हैं। जबकि आपको क्या लग रहा था कि यार 5 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन पे तो 2 मोल होते हैं अमोनिया के, रेशो को मेंटेन करूंगा, 5 मोल पे कितने होना चाहिए? 10 मोल होना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है? केवल और केवल 3.3 मोल। क्या इतनी बात समझ में आती है? कोई पूछे आपसे आपसे कि सर बताओ ये जो एक्सेस वाला था ये कितना यूज हुआ, चलो ये तो बताओ, चलो मान लिया फालतू, यूज कितना हुआ? अब देखो, पहले अपने क्वेश्चन को 3 से डिवाइड किया और फिर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5/3 मोल। 5/3 मोल का मतलब क्या है? 1 पॉइंट कितने, जल्दी बताओ, ये आ गया तुम्हारा 1.66 मोल ऑफ नाइट्रोजन ही यूज हुए, बाकी सब कहाँ गए? रिएक्शन में ऐसे ही पड़े हैं प्रोडक्ट में, उनका यूज ही नहीं हुआ। चलिए इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं काम करता हूं, मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन हमारे सामने आ गई है, क्वेश्चन कह रहे हैं द रिएक्शन A+B2 गिव्स Ab2, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इफ इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। हमें लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढना है, ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, लिमिटिंग रिएजेंट वो जो पूरा कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्री सबसे पहले पकड़ते हैं, स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? Ab2 से बनता है A+B2 से बनता है Ab2, इसको आप किस किस लैंग्वेज में लिख सकते हो? आप लिख सकते हो 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ Ab2 फॉर्म 1 मोल ऑफ Ab2, पहली बात। आप लिख सकते हो 1 एटम ऑफ ए 2 एटम ऑफ बी 3 एटम ऑफ Ab2। सर ये क्या लिखा आपने? अरे भाई ए में एक ही एटम है, B2 में 2 एटम है, Ab2 में 3 एटम है, और क्या लिख सकते हो? 1 एटम ऑफ ए 1 मोलिक्यूल ऑफ B2, क्योंकि मोलिक्यूल तो एक ही है, B2 एज ए होल एक मोलिक्यूल है, 2 एटम है लेकिन मोलिक्यूल तो एक ही है, 1 मोलिक्यूल ऑफ Ab2। आप ये स्टोइकियोमेट्री में लिख सकते हो? बोलो हाँ या ना, यस सर लिख सकता हूँ। अब आ जाओ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन ने बोला हमसे कि मेरे पास 300 एटम ऑफ ए है, 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी है, बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? इसके लिए आप ये वाले पॉइंट को पकड़ लो, पकड़ लिया, ठीक है, 1 एटम पे 1 मॉलिक्यूल होना चाहिए, यहां पे 300 एटम पे 200 मॉलिक्यूल है, ये इक्वल होने चाहिए थे, या तो ये 300 है तो ये भी 300 है, तब पूरी रिएक्शन होगी। अगर ये 300 ये 200 है तो एक्चुअली में यहां पे 200 मॉलिक्यूल ऑफ बी होने पे 200 एटम्स ऑफ ए ही खर्च होंगे। जब 1 मॉलिक्यूल पे 1 एटम खर्च हो रहा है तो 200 मॉलिक्यूल पे 200 एटम खर्च होंगे, मतलब 100 एटम लेफ्ट आउट रह जाएंगे, मतलब पहले वाले केस में लिमिटिंग रिएजेंट होगी अब बी, क्योंकि बी के 200 के 200 मॉलिक्यूल खर्च हो रहे हैं, क्योंकि फॉर 1 एटम ऑफ ए 1 मॉलिक्यूल इज कंज्यूम्ड, तो 200 एटम ऑफ ए के लिए 200 मॉलिक्यूल। अच्छा अब 200 एटम पे 200 मॉलिक्यूल खत्म हो गए, मतलब मॉलिक्यूल तो 0 बच गए, क्योंकि 200 ही मॉलिक्यूल थे, 100 एटम अभी भी लेफ्ट आउट हो गए, क्योंकि उनके पास कोई रिएक्शन करने के लिए है ही नहीं। आ जाओ सेकंड में, 2 मोल + 3 मोल, 1 मोल वाली केस पे आ जाओ, 1 मोल पे 1 मोल, जब 2 मोल ऑफ ए खर्च हुए होंगे तब 2 मोल ऑफ बी खर्च हो चुके होंगे, मतलब कि 1 मोल ऑफ बी के लिए ए कुछ बचा ही नहीं रिएक्ट करने के लिए, तो इस केस में लिमिटिंग कौन हुआ? ए हो गया, क्योंकि ए पहले कंज्यूम हो गया पूरा का पूरा। नीचे आ जाओ, फिर से एटम और मॉलिक्यूल की बात आ गई, 100 एटम ए पे 100 मॉलिक्यूल ऑफ बी के, एकदम परफेक्ट रिएक्शन है, यहां पे दोनों के दोनों लिमिटिंग एजेंट है, क्योंकि दोनों के दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो गए। नीचे आ जाओ, 5 मोल ऑफ ए 2.5 मोल ऑफ बी, दोनों के मोल बराबर होने चाहिए, जब इसके 2.5 मोल खर्च हुए होंगे तब इसके 2.5 मोल खर्च हो गए होंगे, बी खत्म हो गया, 2.5 मोल ऑफ ए लेफ्ट आउट रह गए होंगे रिएक्शन करने के लिए, कोई है नहीं, तो बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। नीचे आ जाओ, 2.5 मोल ऑफ ए 2.5 मोल ऑफ बी से रिएक्ट करेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि 2.5 मोल ऑफ ए जब रिएक्ट कर रहे होंगे तो 2.5 मोल ऑफ बी से रिएक्ट करके ए खत्म हो चुका होगा, और 2.5 मोल ऑफ बी लेफ्ट आउट रह गए होंगे, तो ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। कंसेप्ट क्लियर है?
चलिए, बहुत बार क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट को हमें बहुत ही कम समय में कैलकुलेट करना होता है, ऐसे में कैसे करें कैलकुलेट? तो आ जाओ लिख लो ट्रिक, ट्रिक टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जिसका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट छोटा होगा, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट ए है, मान लो इसका ये रेशो छोटा है बी वाले के केस से, तो जिसका ये रेशियो छोटा होगा वही क्या माना जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट माना जाएगा। ठीक है, ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स एंड स्टोइकियोमेट्रिक कॉफिशियंट डिसाइड विच रिएक्टेंट विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका ये रेशो छोटा होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट ही होगा। चलिए इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। मेरे पास क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक रिएक्शन दी हुई है, बैलेंस करके दी हुई है। इज कैरिड आउट बाय टेकिंग 24 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 96 ग्राम ऑफ ऑटो कैलकुलेट द एक्सेस रिएजेंट एंड हाउ मच इज इट लेफ्ट। पहले 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 ए पार्ट की बात करते हैं, कौन इसमें एक्सेस रिएजेंट है, कौन यहां पे लेफ्ट आउट रह गया। तो सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस हो, आपको यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपको गिवन है दोनों के, ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इसका है, इसका वन है, कुछ भी नहीं है, तो और इस नंबर ऑफ मोल्स यहां से निकलेंगे। तो सबसे पहले आप एक काम करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास यानी कि 2 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालोगे, गिवन मास 96 मॉलिक्यूलर मास 32, आपका आंसर आ गया 3। सही बात है, ठीक है, सही बात है, 3 आ गया। अच्छा अब रेशो देखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कार्बन का 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है O2 का, किसकी वैल्यू छोटी है, कार्बन की वैल्यू छोटी है, यहां पे 1 आ रहा है, यानी कि कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इज द एक्सिस रिएजेंट। पहले क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर आ गया मेरा ए वाले का, लेकिन ये भी पूछा है हाउ मच ऑफ इज ऑफ इट इज लेफ्ट, है ना, इसका कितना जो है अमाउंट एक्सिस में रह गया। अब देखो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो मेरे पास है 2 कार्बन प्लस में O2 गिव्स 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। अभी के लिए रिएक्शन ये कहती है इसके 24 ग्राम, इसके 32 ग्राम, इसके बनाती है कितने 56 ग्राम। लेकिन आपको पता है कि आप यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे पास कार्बन 24 ग्राम ही था, ऑक्सीजन 96 ग्राम था, ठीक है, कौन है यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट है यहां पे कार्बन, है ना, तो कार्बन पूरा खर्च होगा। जब कार्बन पूरा खर्च होगा 24 ग्राम, उस वक्त O2 की केवल कितनी वैल्यू खर्च होगी, केवल 32 ग्राम, हमें कितना दे रखा है 96 ग्राम, कितना लेफ्ट आउट रह जाएगा, तो लेफ्ट आउट रह जाएगा मेरे पास, लेफ्ट आउट एक्सिस रिएजेंट रह जाएगा 96 माइनस 32 कितना रह गया मेरे पास, ये अगर मैं 32 माइनस कर दूं 4 6 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यहां पे लेफ्ट आउट रह जाएगा, क्योंकि उसको यूज ही नहीं होगा, क्योंकि जब भी 24 ग्राम ऑफ कार्बन होता है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट में 24 ग्राम कार्बन है, तो केवल 32 ग्राम ही ऑक्सीजन का यूज होता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म, CO के कितने मोल्स बनेंगे भाई, इतना ग्राम CO बन रहा है डिवाइडेड बाय उसका मोलिकुलर मास, है ना, तो 56 डिवाइडेड बाय 28 यानी कि 2। अब बेसिकली रिएक्शन से भी देख सकते हैं इस चीज को। सेकंड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ CO आर फॉर्म हो गया, डन। थर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अदर रिएक्टेंट शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट एट द एंड। मैं कार्बन का कितना ग्राम वेट लूं जिससे कि ऑक्सीजन का कुछ भी पार्ट एक्सेस में ना बचे, ध्यान दो, 32 ग्राम जब ऑक्सीजन होता है तो 24 ग्राम कार्बन होता है, अगर 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा तो कार्बन कितना होना चाहिए कि कुछ भी ना बचे, तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको 3 times कर रहे हो तो इसको भी 3 times कर दो, तो 24 का 3 times कितना होता है 72 ग्राम जब कार्बन होगा तो 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पूरा का पूरा खर्च हो जाएगा, क्लियर है, 168 ग्राम बनाने के लिए ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका आंसर कितना आ गया 72 ग्राम। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, आइए अगला सवाल इसी तरीके से देखते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज बॉन्ड इन ए क्लोज्ड वेसल विच कंटेन्स इतना O2।
रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ टू लग जाएगा और जी यहाँ पे टू लग जाएगा। स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, पहले वो पहले से लिख लेते हैं। स्टोइकियोमेट्री कहती है 48 ग्राम, क्योंकि 24 दूनी 48 प्लस में 32 ग्राम, ये कितना बनाएगा बच्चों, ये बनाएगा तुम्हारा 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पास 1 ग्राम मैग्नीशियम है, 0.5 ग्राम ऑफ फोटो है। क्वेश्चन एक ये भी आता है आपके पास कि आपको कब पता चलेगा इसमें डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री लगाओ या फिर लिमिटिंग एजेंट लगाओ। देखो अगर रिएक्टेंट में दोनों की वैल्यू गिवन है तो लिमिटिंग एजेंट लगाना पड़ेगा, किसी एक की गिवन है दूसरे की दे नहीं रखी तो आप डायरेक्टली स्टोइकियोमेट्री लगाओ, समझ में आ गई बात। लेकिन दो की वैल्यू दे रखी है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं एक लिमिटिंग एजेंट हो सकता है। चलो अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना, पहले एक काम करते हैं देखते हैं कौन यहाँ पे रिएक्टेंट एक्सिस में है कौन यहाँ पे लिमिटिंग में, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना आएंगे, 1/24। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 कितने आएंगे, 0.5 अपॉन में 32 यानी के 1/64। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आपके सामने है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में, देखते हैं रेशियो किसका आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज 1/24, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट Mg का 2 है। अच्छा इसका 1/64 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट O2 का कितना है, 1 है, तो ये आ गया 1/48 ऑफ Mg, 1/64 ऑफ तुम्हारा O2। कौन छोटा है, ये छोटा है, ठीक है। तो O2 इज द लिमिटिंग रिएजेंट, O2 क्या है यहां पे इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड Mg इज द एक्सिस रिएजेंट। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मास ऑफ एक्सिस रिएजेंट, एक्सिस रिएजेंट का मास हमें बताना है, ठीक है। अब यहां पे फाइंड द मास इसमें कर दो विच इज लेफ्ट है ना। चलिए एक्सिस रिएजेंट का कितना मास यहां पे लेफ्ट आउट रह जाएगा। अब देखो जरा ध्यान से, कौन है लिमिटिंग एजेंट, O2, मतलब O2 पूरा का पूरा खर्च होगा 32 का 32 ग्राम, इसको छोड़ दो है ना। O2 मतलब सॉरी 32 नहीं, O2 0.5 ग्राम पूरा का पूरा खर्च होगा है ना। तो इस 32 को 0.5 बनाने में कोशिश करो, मैग्नीशियम को भूल जाओ। तो इस O2 को मैं 0.5 कैसे बना सकता हूं, क्योंकि यही पूरा का पूरा खर्च होगा, यही सिलेक्शन में पूरा का पूरा खर्च होगा। तो 32 से डिवाइड कर दो पहले पूरी इक्वेशन को और फिर 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसा करने में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपका 0.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पे कितनी वैल्यू आ रही है Mg की, 16 2 जा सॉरी 4 8 जा 4 12 जा 4 2 जा 4 3 जा, ये आ गया आपका कितना, समथिंग अराउंड 1.5 डिवाइडेड बाय 2, ओके 0.75 आ जाएगा, बोलो लीजिए। लेकिन आपको कितना दे रखा है, इतने ग्राम, मतलब कि ध्यान से देखो 1 ग्राम मैग्नीशियम दे रखा था लेकिन यूज कितना ही हो पाएगा अगर मैं एक्सिस रेंट को लेकर चलूं तो, 0.75 ग्राम, मतलब एक्सिस में कितना हो गया, ये एक्सिस में आ गया 1 - 0.75 यानी कि 0.25 ग्राम विच इज लेफ्ट इन द एक्सिस, क्लियर है। आ जाओ अगले सवाल की ओर, अगले सवाल में क्या दे रखा, मेरे पास 100 ग्राम सैंपल है CaCO3 का जिसकी रिएक्शन हुई है 70 ग्राम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से, तो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करी है H3PO4 से, ठीक है। तो क्या बनेगा बच्चों, ये मेरे पास बन जाएगा CA3PO4 का ट्वाइस प्लस में H2O प्लस में CO2, इतना ही बनेगा, जल्दी से मुझे बताओ, हाँ है ना, ठीक है। अब इसको जरा बैलेंस अगर मैं करना चाहूँ तो कितना करूंगा, जरा बैलेंस करना, इसको बैलेंस करने के लिए मेरे ख्याल से आप यहाँ पे 2 लगा दो, एक तो लगा दिया, यहाँ पे 3 लगा दो, लगा दिया, जरा चेक करो बैलेंस है, एक यहाँ पे 3 लगाने की जरूरत पड़ेगी और कैल्शियम पे 3 लगाने की जरूरत पड़ेगी, चेक कर लो बैलेंस हो गया सब कुछ, जी हाँ बैलेंस हो गया। अच्छा पहले इसकी स्टोइकियोमेट्री निकालो, स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है, कैल्शियम कार्बोनेट तो 100 तो हो गया 300 ग्राम और ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कितना हो जाएगा, फॉस्फोरस होता है 31, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 31 प्लस में 3 प्लस 16 4 जा 64, तो ये जाएगा तुम्हारा 4 7 8 9 19 × 2 196, ठीक। सबसे पहले फाइंड करना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने हो जाएंगे, गिवन मास इज 100 डिवाइडेड बाय 100, तो तुम्हारे एन ऑफ CaCO3 आ गया 1, ऐसे ही तुम्हारा एन ऑफ H3PO4 कितना आ जाएगा, 70 डिवाइडेड बाय कितना, 98। अच्छा ठीक है, सॉल्व करेंगे इस चीज को,
तो अगर मैं इसको अगर मैं अगर वो रेशो देखूं तो आ जाएगा 1/2 में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ CH3 जितना, और इसके देखो मैं 70/98 डिवाइडेड बाई 2 इतना, ठीक है, ये किसका आ गया, H3PO4 का आ गया। जरा देखो इसमें से कौन बड़ा है, ठीक है, इसमें से कौन बड़ा है, तो 235 जा कट जाएगा, ठीक है ना, और अगर मैं इसको काटूंगा तो ये समथिंग अराउंड कितना आएगा, ये 3 से कम आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, तो छोटा कौन हो गया, CH3 छोटा हो गया, तो ये हो गया आपका लिमिटिंग रिएजेंट, क्लियर है ना। अब हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फोस्फेट दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड, कैल्शियम फोस्फेट के कितने ग्राम बनेंगे, हमें ये बताना है, सिंपल है, पहले इसकी स्टोइकोमेट्री से देख लो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। कैल्शियम होता है 120 प्लस में, ये हो जाएगा तुम्हारा 31 दूनी 62, ठीक है, 64 दूनी 128, तो टोटल आ जाएगा 10 का 0 1 11 310, है ना, 310 ग्राम स्टोइकोमेट्रिस आ जाएगा। अब लिमिटिंग रिएजेंट है कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब ये पूरा खर्च हो रहा है, H3PO4 196 ग्राम खर्च नहीं हो रहा, ये कुछ ना कुछ फालतू होगा, तो इसके ऊपर मैं स्टोइकोमेट्री नहीं लगा सकता, मैं स्टोइकोमेट्री इसके ऊपर लगा सकता हूं, ठीक है। अगर 300 ग्राम पे 310 ग्राम है और मेरे पास क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट केवल 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम कैसे बना सकता हूं, इस रिएक्शन में यूनिट मेथड लगाने की जरूरत नहीं, पूरी रिएक्शन को डायरेक्टली 3 से डिवाइड कर देते हैं, जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा पूरी रिएक्शन को तो मेरे पास आ जाएगा 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट पे 103.3 ग्राम ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट इतना, तो कैल्शियम फॉस्फेट इतना पहला आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट दैट विल बी रिमेन अनरिएक्टेड, कितना एक्सेस रिएजेंट फालतू है, अच्छा अब ध्यान दो, कितना एक्सेस रिएजेंट फालतू है, अब वो कैसे बताऊंगा मैं, ध्यान देना, मेरे पास 100 ग्राम है, ये मेरे पास 70 ग्राम है, ठीक है, अगर मैंने इस रिएक्शन को 3 से डिवाइड किया 100 ग्राम लाने के लिए, तो मैं इसको भी 3 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15.3 इतने ग्राम, मतलब के रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये तो केवल इतना ग्राम ही खर्च होगा, हमें कितना दे रखा है 70 ग्राम, एक्सिस में दिख गया, कितना एक्सिस में है 65 पॉइंट, इसे माइनस कर दो कितना आ जाएगा 4.7 ग्राम आ जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्लियर है यहां तक सभी को, डन है मामला, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, चल आगे बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर। ओके, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है, सो लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइकियोमेट्री यहां तक हमारी खत्म होती है, आज जाके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जहां पे ना समझ में मुझे कमेंट में बताओगे सर ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो, मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, अगली वाली क्लास में मैं केवल एक सिंगल क्लास लगाऊंगा जहां पे मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं स्टोइकियोमेट्री के रिलेटेड टू मिक्सचर प्रॉब्लम्स, परसेंटेज यील्ड वाली प्रॉब्लम्स स्टोइकियोमेट्री की, परसेंटेज प्योरिटी वाली प्रॉब्लम्स, उसके बाद तुम्हारा स्टेट्स ऑफ मैटर वाली स्टोइकियोमेट्री की प्रॉब्लम, सारा कुछ हम एक ही क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले बाय बच्चों, और कमेंट करके जरूर बता देना कि सर इस वाले पॉइंट पर मुझे समझ में नहीं आया, फिर ये मुझे बहुत बढ़िया समझ में आ गया, चले भाई, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय एवरीवन।